हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा F250 एंड N250 इन दोनों का एक स्मॉलर वर्जन इंडियन मार्केट पे लॉन्च होने जा रहे हैं, जो है दोस्तों N125 एंड F125। N250 एंड F250 कुछ ही महीने पहले इंडियन मार्केट पे लॉन्च हुआ था एंड बहुत ही तगड़ा सेल इन दोनों बाइक्स का हो रहा है। एंड आपको पता ही होगा, बजाज की जितनी भी हायर सेगमेंट की बाइक आता है उनका एक छोटा वर्जन भी होता है इंडियन मार्केट को हिलाने के लिए। जैसे आपको NS200 की नेकेड वर्जन एंड स्मॉलर वर्जन मिल जाता है N125, उसी तरीके से आपको F250 एंड N250 का एक स्मॉलर वर्जन मिल जाता है N125 F125। सो इस बाइक के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है, क्या क्या फ्यूचरिस्टिक स्पेसिफिकेशन आप लोग नोटिस करने वाला हो, बाइक के माइलेज कितने देने वाला है, बाइक पर आपको टॉप स्पीड कितना मिलना है, टायर साइज से लेके इंजन सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या मिस मत करना। सो आई एम सुदीप फ्रॉम द रिव्यू 05 राइडर एंड आप सभी को रिव्यू सलाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक की ऑन रोड प्राइस के बारे में। सो इंडियन मार्केट पे N250 एंड F250 के ऑन रोड प्राइस होने वाला है दोस्तों 1,20,000 के आसपास। NS125 की प्राइस है 1,24,000। इसी तरीके से आपको इस बाइक की भी प्राइस लगभग आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। आप बात करते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलता है। ओवरऑल लुक्स की अगर बात किया जाए, सो यहाँ पर N250 एंड F250 जो लुक्स आता है सेम टू सेम आपको N125 F125 पर लुक्स आपको ऑफर किया जाएगा। वही प्रोजेक्टेड हेडलैम्प फ्रंट पर दोनों DRL जो दिखने में बहुत ही प्यारे लुक MT07 से इंस्पायर्ड है। फ्रंट पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, 260mm की डिस्प्ले, आपको फ्रंट पर कोई भी ABS नजर नहीं आएगा। फ्रंट टायर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको 90x90 सेक्शन के फ्रंट टायर मिलेगा। इंडिकेटर जो भी आएगा आपको LD के साथ ही ऑफर किया जाएगा, ये बेहतर होने वाला है NS125 से। यहाँ पर फ्रंट पर आपको सिंगल हैंडल बार ऑफर किया जाएगा एंड इन्फिनिटी डिस्प्ले आपको ऑफर किया जाएगा, जहां पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर नोटिस कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी आपको दोस्तों N125 पर आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक ऑफर किया जाएगा। डिस्प्ले आपको वही N250 पर जो आता है N125 पर भी आपको वही डिस्प्ले ऑफर किया जाएगा, वही आपको RPM देखने को मिल जाएगा। अट्रैक्टिव बहुत ही RPM होता है इसकी जो डिस्प्ले है। इन्फिनिटी डिस्प्ले आपको यहाँ पर ऑफर किया जाएगा एंड यहाँ पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज आप लोग नोटिस कर सकते हो, टाइम भी यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों। आप बात करते हैं इस बाइक की रियर साइड के बारे में। सो रियर पर आपको 120x80 सेक्शन का टायर, यानी कि NS125 पर जो टायर आता है वो टायर नहीं, NS160 पर जो टायर आते हैं वही टायर आपको यार ऑफर किया जाएगा। सो यहाँ पर आपको 120x80 सेक्शन का रियर टायर ऑफर किया जाएगा। यहाँ पर आपको USB चार्जिंग स्लॉट भी मिल जाएगा, जो आपको N250 पर आता है वही सेम टू सेम USB चार्जिंग स्लॉट आपको ऑफर किया जाएगा। रियर पर कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं होगा, रियर पर ड्रम ब्रेक ऑप्शन आपको दिया जाएगा जो 130mm की होगा। आप बात करते हैं स्विंग आर्म के बारे में। सो रियर पर आपको मोनोसॉक सस्पेंशन ऑफर किया जाएगा, बट स्विंग आर्म जो है वो दोस्तों मेटलिक स्विंग आर्म आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कोई भी एल्युमिनियम स्विंग आर्म नहीं मिलता आपको। यहाँ पर भी आपको स्प्लिट शीट ही देखने को मिल जाएगा, बाइक पर ग्रैब हैंडल बार देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर इंजन के बारे में, इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर NS125 से थोड़ा सा पावर में आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है, यानी कि वही आपको 124.5cc इंजन एंड पावर की अगर बात किया जाए तो 14 BHP की पावर प्रोवाइड करने वाला है ये एंड 13.5 Nm टॉर्क आपको यहाँ पर दिखने वाला है। सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक 2 वाल्व के साथ ये आएगा। आपको यहाँ पर एयर कूलिंग के ऑप्शन नोटिस कर सकते हो आप लोग। अब बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट पे कब तक N125 लॉन्च होगा। सो दोस्तों बजाज की जो भी फेस्टिव सीजन आएगा वो लोग फेस्टिव सीजन पे ही बाइक को लॉन्च करता है। सो N125 आपको किसी फेस्टिव सीजन पे लॉन्च हो जाएगा, बट आपको 2023 पे ये बाइक आएगा। अभी 2022 में बजाज की बहुत सारा बाइक अपकमिंग पर लगा हुआ है। सो N250 की बात किया जाए वो आपको 2023 पर ही लॉन्च होगा। सो आज का वीडियो यही तक था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। मिलता है अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।